मोहित, आई लाइक यू टू। तुमने मेरा इंश्योरेंस तो नहीं कराया था, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना। RIC 3 प्लान्स ऑफर करती है। मैम, इसको खरीदने के लिए क्या करना होगा मुझे? रिलेशनशिप इंश्योरेंस के लिए रिलेशनशिप डॉक्टर से रिलेशनशिप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। नहीं लगा फोन। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलेगी तू मोहित को। अभी अभी तो रिलेशनशिप में आए थे तुम दोनों। भाई साहब, आपकी भी गर्लफ्रेंड है क्या? क्यों, नहीं हो सकती है? हो सकती है, एक मिनट। मिस्टर मोहित, आपका नंबर आ गया। हाँ, आ रहा हूँ। अच्छा, गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रिया। डीप ब्रेथ लो। रिया। गुड। गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही दिल की धड़कन राजधानी एक्सप्रेस जैसी दौड़ने लगी। गुड। दिल की धड़कन बहुत तेज। आंखें खोलो, इधर देखो। आंखें बंद करो, बंद करो आंखें। अब खोलो आंखें, इधर देखो। नजर में फर्क है। गुड। आंखों में हवस नहीं, प्यार। समय के साथ प्यार का रंग नहीं बदला। ये रहा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मिल जाएगा आपको इंश्योरेंस। थैंक यू डॉक्टर। पापा मम्मी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। तुम भूल जाओ मुझे, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। गुड बाय। अगर आपके लाइफ में सब सही चल रहा है तो पॉलिसी रिन्यू करने के लिए 1 दबाएं। अगर आपका कट चुका है तो पॉलिसी क्लेम करने के लिए 2 दबाएं। आपकी रिक्वेस्ट हमने ले ली है। क्लेम फॉर्म आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजी जा चुकी है। आप कृपया फॉर्म भरकर RIC के ऑफिस पहुंच जाए। धन्यवाद। मैम, मेरा वो प्लान था प्यार महाना, जिसमें एक शाहरुख मिल जाता है 7 दिन में लड़की इन करने के लिए। राइट। मैम, मैं वो पूछ रहा था कि वो अभी ही मिल जाएगा ना? जस्ट अ मोमेंट सर, लेट मी चेक। सुन, जब तक शाहरुख नहीं मिलता तब तक मैं हूँ ना सर।
हमें अभी अभी आधार से नोटिफिकेशन मिली है कि आपकी ब्रेकअप का रीज़न लड़की के माँ बाप हैं, उन्होंने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी। फिर से कट गया मेरा। चूतिया साला। तो सर SRK तो दूर की बात, आपको KRK भी नहीं मिल सकता। ये देखिए बॉटम राइट कॉर्नर में बहुत क्लियरली मेंशन है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैग्नीफाइंग ग्लास मिलेगा? क्या टर्म्स, क्या कंडीशंस? कंडीशन ये अगर ब्रेकअप का रीजन माँ बाप है, जो कि आपके केस में है, तो हमारे टर्म्स के हिसाब से आप पॉलिसी क्लेम ही नहीं कर सकते। एनी ब्रेकअप बाय द ग्रेस ऑफ पेरेंट इज एन एक्ट ऑफ पेरेंट विच कैन नॉट बी क्लेम्ड। लड़की और उसके माँ बाप ने तो आपका काटा ही, खुशखबरी की बात तो ये है कि सर हमने भी आपका काट लिया। वी आर रियली वेरी सॉरी सर। वेलकम टू RIC, गर्लफ्रेंड के साथ भी गर्लफ्रेंड के बाद भी। वी होप यू कंटिन्यू टू बी अ वैल्यूएबल कस्टमर। थैंक यू। घंटा वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल बना दिया आपके इन टर्म्स एंड कंडीशंस ने मेरी लव लाइफ को। आपको पता भी है कमिटेड से वापस सिंगल होने पर क्या बीतती है। रास्ते पे निकलो तो सिंगल्स ताने मारते हैं, वो देखो बिन गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड जा रहा है। ये समाज बहुत खराब है मैडम, बिन कमिटेड बॉयफ्रेंड को जीने नहीं देता। कौन देगा मेरे बच्चे को नाम, मेरे प्यार को नाम कौन देगा? गली के सिंगल्स तो यही कहेंगे ना कि मेरा ही चरित्र खराब था। चलो सह लूंगा उनके तानों को भी, पर ये कैसे सह पाऊंगा कि महीने के आखिर में बाकी सिंगल्स की तरह मेरे वॉलेट में भी पैसे बचे रहेंगे। ये कैसे सह पाऊंगा कि पेट्रोल पंप पे कितने का डालू भैया पूछने पर 20 रुपए बोलकर सर शाम से नहीं चुकाना पड़ेगा। ये कैसे सह पाऊंगा कि मेरे डेबिट कार्ड में भी बैलेंस बचा रहेगा और क्रेडिट कार्ड तो भूल ही चुका हूंगा। भूल तो मैं अपना नाम भी गया हूं। पिछले 4 महीने से मुझे कभी जानू तो कभी शोना, कभी टॉमी तो कभी क्यूटी, ऐसे नामों से बुलाया जा रहा था। अब मुझे अपना खुद का असली नाम याद रखना पड़ेगा। अब मैं दिन में 400 बार सॉरी बीबी, सॉरी जानू, सॉरी स्वीटी किसे बोलूंगा? अपनी गलती होने पर भी जब अपने सिंगल दोस्तों को भक साला बोलूंगा ना, तब तब सॉरी कहना मिस करूंगा। मिसिंग तो एक और चीज है, मेरे हार्ड ड्राइव से 100 GB का स्टडी मटेरियल, जिसे मैंने प्यार होते ही शिफ्ट डिलीट कर दिया था। अब वापस डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या कलेक्शन बनाया था, अब उसे वापस बनाना होगा। टच छूट गया उस वर्ल्ड से। मियां खलीफा ही टॉप पर है या और कोई पता नहीं। नया कैटेगरी ऐड हो गया हो तो कौन करेगा उस कैटेगरी का बेस्ट स्टडी मटेरियल एग्जामिन? आप करेंगी? मैं आपसे पूछता हूं, आप या आपका RIC करेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो, दिस इज निशा फ्रॉम policymarket.com। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाँ मैम, मैं अपने लिए एक रिलेशनशिप इंश्योरेंस ढूंढ रहा था। रिलेशनशिप में चूतिया कटने के बाद सिंगल वाला फेज नहीं कटता, देवडी जैसा फिरता रहता हूँ। और सुनो, तो बाजू में घंटा भी बजा देना। हाउ स्वीट।